हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं वो है खिलाड़ी मूवी, रवि तेजा सर की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज जो पैन इंडिया पे रिलीज की गई है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा ये मूवी आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, या मुझे क्या पसंद आई इस मूवी से और क्या पसंद नहीं आई, और आफ्टरऑल जो मतलब कि ये फिल्म है ऑडियंस को पुल कर पाएगी कि नहीं पाएगी और नॉर्थ ऑडियंस को, इसके बारे में टोटल हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और बने रहिए मेरे पूरे रिव्यू पे, जिससे आपको आपको ये देख के मतलब पता चल जाए कि आप इस मूवी को देखने जाएंगे और अपना टाइम जो स्पेंड इस पर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इस फिल्म की, तो इस मूवी की ओवरऑल रन टाइम की तो आप लोगों को पता ही होगा, 2 घंटे 34 मिनट की इस फिल्म की, मतलब कि 2.5 घंटे की ये मूवी है जो कहीं ना कहीं हमें ग्रिप नहीं कर पाती है, मतलब कि जो हमारे जो खुशी है ना उससे हमें बांधे कहीं भी नहीं रखती है। क्योंकि फिल्म की जो रन टाइम है उसके हिसाब से जो फर्स्ट हाफ है वहां पर 1 घंटे तो रोमांस फैमिली ड्रामा इसी के अराउंड फिल्म निकल जाती है। उसके बाद हल्की बल्कि स्लाइटली जो है ना फिल्म अपनी स्टोरी रिवील करना स्टार्ट करती है। उसके बाद सेकेंड हाफ में जहां तक जो रियल प्रॉब्लम है ना वो सेकेंड हाफ में अपने नजर आती है। अगर बात करें इस फिल्म की अगर परफॉर्मेंस में तो आप लोगों को बता दूं परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, मगर मुझे कहीं ना कहीं खलती है अर्जुन सर के बारे में। क्योंकि अर्जुन सर को आप लोगों को पता होगा उनके जो अल्लू अर्जुन सर की जो फिल्म आई थी पहले नाना फेरु सूर्या, उस फिल्म में जो उनका मतलब स्ट्रिक्ट रोल था उसी टाइप से सिमिलर रोल है। मतलब कि मैं कितनी सारी उनकी मूवी देखूं जिसमें मुझे लग रहा है एज ए सीबीआई ऑफिसर वो स्ट्रिक्ट तो है मगर जो उसकी जो कैरेक्टराइजेशन है ना वो मुझे सिमिलर ही लग रही है लगभग। मुझे तो लगता है कि उन्हें कुछ नया ट्राई करने की जरूरत है। बात करें हमारी रवि तेजा सर की तो टॉप नॉच उनकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच है इस मूवी में। अर्जुन सर की अगर एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी टॉप नॉच है। बाकी मीनाक्षी इनकी जो मतलब लीड रोल पे उन अगर एक्ट्रेस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं मतलब कि क्यूट के रोल पे दिया गया था और वो क्यूट नजर आ रही है इस फिल्म पे। और उनके सारे में कई सारे एक्टर हैं इस मूवी पे और इसी के बारे में मुझे बात करना है लास्ट पे जो आप लोगों को बताऊंगा जरूर। उसके बात करूं इस मूवी की टोटल प्लॉट पे तो टोटल प्लॉट यही है, इंडिया से कुछ मतलब कि राजनीति के चोचले की वजह से 2000 करोड़ को लाया जाता है इटली से इंडिया और इसी पे मतलब कि रवि तेजा सर होते हैं, मतलब एक नॉर्मल फैमिली जिसके तो इस पे कैसे इन्वॉल्व होते हैं और इनकी फैमिली को वो क्या होता है उनके फैमिली के साथ में और क्या इससे वो कैसे निकल के आते हैं और मतलब कि जो एंट्री होती है पुलिस की इसी के बीच में जो पूरी फिल्म है। और इनमें आपको जो डबल रोल की जो मतलब कि किस्सा सुनाई दे रहा था वो आप लोगों को देखने को मिलेगी कि नहीं ये तो आप लोगों को पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। तो इसी के अराउंड पूरी फिल्म की प्लॉट यही है, इसी के अराउंड पूरी फिल्म जो कहानी है वो चलती नजर आती है हमको। अब बात करें इस मूवी मुझे क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं इस फिल्म की डीएसपी यानी हमारी साउंड म्यूजिक बीजीएम, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है उसके वजह से मास ऑडियंस को तो काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। टू मच हॉट जो सॉन्ग्स है ना काफी अच्छी सॉन्ग्स लग रहे हैं। बात करें इसकी दूसरी जो अच्छी पॉइंट है इसकी जो एक्शन जो थ्रिल बना के रखा है वही जो आप लोगों को फिल्म की वो ये एलिमेंट्स है थ्रिल और इनकी जो पावर ऑफ अटेंशन जो स्टोरी की जो लाखरी की है। बात करें थर्ड पॉइंट की तो जितने भी एक्टर हैं उनकी परफॉर्मेंस, इस मूवी के अगर ड्रॉप पॉइंट की तो फर्स्ट मैं यही कहना चाहूंगा इस फिल्म में जो कैरेक्टर इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है हमारे साथ में वो बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर हमें मुझे लगी मतलब ना क्लूलेस लगता है कहीं कहीं पर। बात करें अगर इसकी सेकेंड पॉइंट की तो वो निकल के आती है इसकी स्क्रीन प्ले जो कहीं ना कहीं मुझे खटकती है, स्लो लगती है, ग्रिपिंग नहीं लगती। आखिरी की जो है ना वो आधा घंटा मुझे ग्रिप लगती है इस मूवी की, जहां पर वो भी एक्शन थ्रिल जो मतलब कि चलती है ना उसके वजह से ये फिल्म काफी अच्छी लगती है। बात करूं अगर थर्ड पॉइंट की जो मुझे पसंद नहीं आई इस मूवी में वो है इसकी कॉमेडी, जो हम हो सके मैं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इस मूवी से, इससे वो भी हो सकता है, पर मुझे कहीं ना कहीं जो कॉमेडी रवि तेजा की मूवी में होती है सर की वो ऐसी ये फिल्म मुझे नहीं लगती। और बाकी आप लोगों अगर जो भी इच्छा होगा आप काफी ज्यादा बड़े फैन होंगे रवि तेजा सर की और सपोर्ट करना चाहते हैं इस मूवी को तो आप जाके जरूर जाके इस मूवी को जरूर देखिएगा और बने रहिए मेरे चैनल पर दोस्तों। बाय बाय, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा।